आपने कई अलग अलग तरीके से आलू वड़ा बनाया होगा, लेकिन आज का जो रेसिपी है दोस्तों ये बिल्कुल यूनिक और अलग है। जिस तरीके से दम आलू होते हैं वैसे छोटे छोटे आलू लेकर बनने का आज का आलू वड़ा रेसिपी, इसे बनाने की पूरी जानकारी मैंने बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार रेसिपी को बनाना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो आलू वड़ा बनेगा दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टाइप का है। इसके लिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे आलू देख कर लिए हैं और इनको उबाल दिया है। उबालने के बाद इसका हमें छिलका यहाँ पर निकाल कर इसको साइड में कर देना है। इस तरीके से इनको साफ करके लेना है। अब आता है इसके अंदर जो मसाले ऐड करेंगे वो वाले। तो यहाँ पर देखिए ये कड़ी पत्ते हैं, पुदीना है, ये हरा धनिया है, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, गरम मसाला और ये सरसों, ये नमक, साबुत धनिया, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और बड़ी सौंफ और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर आलू का नया तरीका का वड़ा बनाने का। तो यहाँ पर ले लिया सबसे पहले तेल, तेल गर्म आ गया, इसके अंदर ऐड करेंगे सरसों। अब आएगा जीरा, यह आ गई बड़ी सौंफ। मसाला यहाँ पर भरपूर ऐड कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही यूनिक और शानदार तरीके का वड़ा है। अब यहाँ पर ऐड होगा दोस्तों साबुत धनिया, अब आएगी इसके अंदर हरी मिर्च। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से पहले हमें फ्राई करना है। अब ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहां पर ऐड होगा ये लेमन जूस, खट्टेपन का बहुत अच्छा स्वाद आएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर सूखे मसाले, ये आ गया गरम मसाला, इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वादानुसार डालिए। अब आएगा हल्दी पाउडर, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। अब आएगी कसूरी मेथी, यह आ गए कड़ी पत्ते। और यह आ गया हरा धनिया। तो इस तरीके से सभी मसाले ऐड हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों आलू। आलू को हमने पहले से उबाल के रखा था और छिलका निकाल कर लिया है, ये इसके ऐड करेंगे। तो ये हो गया ऐड। अब इनको पहले मिक्स करते हैं अच्छे से। आलू ऐड होने के बाद थोड़े से मसाले हम और ऐड कर रहे हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया, ये सब थोड़ा थोड़ा और ऐड करेंगे। और ये यहाँ पर धनिया पत्ती जो है पूरा ऐड कर रहे हैं पूरा। तो ये ऐड हो गया। अब हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों ये। अब दोस्तों ये जो आलू है इनको हमें बारीक करना है, इस तरीके से मैचर से हमें इसको मैच करना ताकि सभी मसाले के अंदर अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। तो आलू एकदम अच्छे तरीके से मसाले में हो गए हैं और यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, एकदम फरका फरका हो और एकदम ड्राई मसाला है, देखिए ज़्यादा गीला नहीं है। अब हम इसका बनाएंगे दोस्तों वड़ा। तो कैसे बनाएंगे आगे की प्रोसेसिंग आप कंटिन्यू देखते रहिए। अब इस मसाले को हम एक दूसरे बर्तन के अंदर ले लेते हैं। मसाला यहाँ पर तैयार है, देखिए अभी मसाला ठंडा हो रहा है, फिर इसकी हम बॉल बनाएंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है बेसन। जब इसकी हम बेसन की कोटिंग बनाएंगे तो ये जो बेसन है दोस्तों एकदम फाइन बेसन आपको लेना है, बारीक वाला। इसके अंदर थोड़ी ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, ये जो बेसन मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो है, और ये नमक, ये आ गया अजवाइन।
एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जब भी आप वड़ा वगैरह बनाते हैं जिसका ये बैटर लगाते हैं, इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का सोडा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोडा ऐड करेंगे ना तो उसके ऊपर की कोटिंग जो होती है वो फट जाती है। अब यहाँ पर हमने मसाला ऐड कर दिया, अब आएगा पानी। पानी डालकर हम इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर करें ताकि कोई भी गुठली ना रहेगी इसमें अंदर। बैटर यहाँ पर तैयार हो चुका है। बैटर को हमें इस तरीके से जो है 1 से 2 मिनट के लिए फेंटना है। ये देखिए, ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इस तरीके का गाढ़ा घोल आपको बनाकर तैयार करना है। तो अभी हम दोस्तों वड़े बनाना शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर आलू वड़ा बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है। आप यहाँ पर सरसों का ऑयल, मूंगफली का ऑयल, राइस ब्रांड का ऑयल, कोई भी ऑयल लेकर आलू वगैरह बना सकते हैं। तो ये मसाला है, इस मसाले की हम पहले बॉल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके की आपको बॉल बनानी है। आप छोटी बड़ी जैसी आप चाहो वैसे बना सकते हैं। तेल यहाँ पर धीमी आंच पर गर्म है, वड़े यहाँ पर तैयार है और बैटर भी तैयार है। अभी हम यहाँ से जो है वड़ा उठाएंगे, तेल बेसन में डालेंगे। अच्छे से ये कोट हो गया, इसको हमें इस तरीके से बैटर को पहले थोड़ा गिरने देना है, ठीक है। अब यहाँ पर डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ऐसे यहाँ से हम ये वड़े उठाते हैं, डाल दिया। ये जो मसाला हमने बनाया है ये बहुत ही यूनिक तरीके से बताया है, ऐसा पहले कभी नहीं बताया, तो आप इस तरीके से इसको जरूर ट्राई करें, ठीक है। पूरे वड़े यहाँ पर फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं, और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो धीरे धीरे तेल में तैरने लगेंगे। तो अभी देखिए, वड़े यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं और ये बहुत ही शानदार बने दोस्तों। इस तरीके के आप बनाकर आप अपनी दुकान भी लगा सकते हैं, छोटी सी रेडी पर आलू वड़े की, और इसको वड़ा पाव के रूप में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बताया है। इसे बनाने के लिए आपको खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, रेगुलर मसाले आपको वड़ा पाव के लिए पाव लाने होंगे, और ऐसे बनाओ वड़ा और 15 या 20 रुपये में एक वड़ा पाव सेल करो, बहुत ही शानदार तरीके से बिकेगा। वड़े फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए एकदम बढ़िया कलर आ गया है। बस इससे ज्यादा इसको डार्क नहीं करने का। अब हम इन वड़ो को ले लेते हैं तेल से बाहर, फिरने का तरीका। यहां पर इनको ले लेते बाहर। आलू वड़े बनकर तैयार। ये देखिए ऐसे होते हैं दोस्तों आलू वड़े। देखिए अभी तोड़ कर आपको दिखाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ज़्यादा कड़क नहीं है। ये देखिए, ये देखो भाई, अंदर आप मसाला देखिए कितना शानदार तरीके से पक गया है। और ऐसे बनता है आलू का हमारा ये वड़ा। इस तरीके से आप बनाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी मैं लाया हूँ। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आपका अनुभव हमारे साथ
कमेंट के माध्यम से शेयर करिए और ऐसी नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।